हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को गोभी पकौड़ा बनाना बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में नमक डालकर हमें पानी में गोभी को डालकर हल्का उबाल लेना है 5 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं उबाल ली हूँ। अब मैं इसे छान के दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। इस तरीके से हमें निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बेसन ली हूँ, ये स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, गोलकी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर है, ये हरा मिर्च कटा हुआ, आधी लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता काट ली हूँ मैं। सभी को मैं बेसन में इस तरीके से मिला दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से सभी को मैं मिला दे रही हूँ। इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी पानी हल्का देकर। ठंड के मौसम में ये पकौड़ी बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से बनाने पे। देखिए फ्रेंड्स, हल्का हल्का मैं पानी को डाल दे रही हूँ, ऐसे से मिला ली हूँ। अब मैं गोभी में डालकर अच्छे से मिला लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं मिला कर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी। अब ये तेल गर्म हो गया है, सरसों तेल में मैं छान रही हूँ, आप रिफाइंड में भी छान सकते हैं। इस तरीके से तेल गर्म हो जाने पे हमें एक एक करके डाल देना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें अच्छे से उलट पुलट कर पका लेना है। ये पकौड़ी अच्छे से पक गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी